हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में निकलने वाली आगे भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर यह छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के दोस्तों ट्विटर से जानकारी मिला है। उसमें उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में दोस्तों यह जानकारी पोस्ट किया था। तो इसमें दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पदों के बारे में जानकारी दिया गया है। पहला क्या है, 25,000 पदों पर होगी भर्ती। तो इसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है पुलिस विभाग के लिए, तो दोस्तों पुलिस विभाग का भर्ती यह जरूर है, लेकिन यह होम गार्ड के पदों पर भर्ती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है 1,600 होम गार्ड की पदों पर भर्ती होगी। ये भी दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की गृह मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों यह भर्ती होता है। इसमें दोस्तों आपको वर्दी भी मिलेगा, साथ ही बस दोस्तों इसका जो पद है ये क्या है, होमगार्ड के अनुसार होगा। ये सभी जिलों में इसका भर्ती लिया जाएगा, तो आप अभी से बहुत अच्छे से तैयारी कर दीजिए। साथ ही अगर कोई होमगार्ड में रहता है तो पुलिस जीडी कांस्टेबल, पुलिस चालक जितने भी दोस्तों भर्ती होता है, तो उसमें होमगार्ड, अगर जिन लोग होमगार्ड में जिन लोग भर्ती हुए रहते हैं उनके लिए स्पेशल दोस्तों यहाँ पर आरक्षण होता है। इसलिए आप अगर होमगार्ड के दोस्तों भर्ती निकलेगा तो आप उसके लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहेंगे तो भी इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अभी फ़िलहाल होमगार्ड के 1,600 पदों पर भर्ती के लिए कुछ दिनों में आपको विज्ञापन दिख सकता है। जैसे दोस्तों ये 1-2 दिन हुआ है, ये भूपेश सरकार की ऑफिशियल ट्विटर में यह पोस्ट कर रहे हुए, और एक ही दिन में दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जो पहला है, 12,500 शिक्षक तथा सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए विज्ञापन मंगाए हैं। यहाँ पर दोस्तों विज्ञापन के लिए आवेदन मंगाए हैं, और 6 मई से तो यहाँ से प्रारंभ होगा इसके लिए। तो इसलिए आगे ही कुछ ही दिनों में 1,600 होमगार्ड पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जल्दी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। इसी तरीका से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे ही बताया जाएगा। धन्यवाद।